ये देखिए, ये जो है ये स्ट्रॉबेरीज है, मैंने इसके ऊपर ये लीव सारी निकाल के अब ये मैं इसमें डाल दूंगी सारी स्ट्रॉबेरीज। और ये देखें तकरीबन इसमें 50 ग्राम के करीब जो है ये चीनी है मेरे पास, ये सब मैं इसमें डाल दूंगी। ये चीनी मैंने बस इस तरह से डाल के बिल्कुल चीनी चला जाएगा से डाल के ये सारी चीनी डाल दें, ठीक है। और आप इसको करते हैं इसे तवा सही अच्छी तरह से मिक्स कर दें, नीचे तक चीनी चली जाएगी। और ये देखें बिल्कुल ये देखें मैंने पहले अपने लिए बनाया था, ये मैंने आपको निकाल के दिखाया कि ये देखें इस तरह से बिल्कुल आप जब भी चाहें ये निकालें और खाएं आराम से। ये मैं इसको दूसरी बॉटल में शिफ्ट करूँगी, अभी मैंने आपके लिए ये दोबारा से बनाया है। ये देखें बस इसमें चीनी डालना है, कुछ भी नहीं करना और ना कोई पानी डालना है ना कुछ करना। और ये बहुत ही मज़ेदार सा स्ट्रॉबेरी, जब आपका दिल चाहे आप खाएं, ये प्रिजर्व हो जाएगा 2 दिन के बाद बिल्कुल इसी तरह से पानी इसमें। और ये देखें स्ट्रॉबेरी बिल्कुल वैसी आपको कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है देखें। और जब दिल चाहे आप खाएं, इसको फ्रिज में रख दें और मौसम के बाद इसको एंजॉय करें। चीनी मेल्ट हो जाएगी तो ये वाली शेप हो जाएगी, ठीक है।